हमारे पास एक विकल्प है जो हम लोग ये समझेंगे कि टी आई आर तीन कलर दिए हैं उनके लिए किसी प्रिज्म के लिए कब होगा टी आई आर और कब नहीं होगा। तो सवाल क्या है, एक राइट एंगल प्रिज्म है, इसके ऊपर तीन बार रेज भेजी जा रही है, तीनों बार ऐसे भेजेंगे, एक बार रेड, एक बार ब्लू, एक बार ग्रीन। तुमको इस सवाल में यह दिया है कि इसके पास को आगे जाके कंप्लीट करो, किसका टी आई आर होगा और किसका टी आई आर नहीं होगा, ये चेक करो। तो उसके लिए तुम करोगे क्या, देखो ये लाइट तो यहाँ से सीधे आई, बोलो हाँ सीधे जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, और ये एंगल 45 है, ये 90 45, ये भी 45 होगा, इसमें कोई शक नहीं है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 ही होगा। अब ये जो कलर है वो अलग अलग है, तो हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के लिए अलग अलग होता है, और वो तुमको दिया है। देखो क्या दिया है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.39, तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो होता है कम बटे ज्यादा, तो 1.139 है। आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, बस कर लीजिए। ग्रीन के लिए 1.44 दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन विल बी 1/1.44, और ब्लू का साइन ऑफ थीटा बी इक्वल टू 1/1.47। अब तुमको यह ध्यान रखना है कि टी आई आर होता कब है, क्या टी आई आर कब होता है, जब आने वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तब टी आई आर होता है। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है, साइन 45 की वैल्यू बोलो 1/√2, और रूट टू की वैल्यू 1.414 वैल्यू फुल है, लिखा है 1.41 लगभग, तो ये सिर्फ दो डाटा तक दिया ना, दो डिजिट। तो अब ध्यान दो, ये 1.41 है, ये वाला 1.39 है, तो ये वाली वैल्यू इससे कम है, इस वाली वैल्यू से कम है, ये वाली वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ये वाला एंगल ज्यादा आएगा, यानी इसका जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो 45 से ज्यादा आएगा, और ये दोनों वैल्यू इससे कम है, मतलब ज्यादा है, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, डिवाइड करने पर इसका जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो 45 से कम आएगा, यानी रेड का क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा आया, और ग्रीन का और ब्लू का जो क्रिटिकल एंगल आया वो 45 से कम आया। इसको फिर से सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल बराबर कम बटे ज्यादा, तो जो ज्यादा है अगर वो 1.41 से ज्यादा हो गया तो क्रिटिकल एंगल 45 से कम आ जाएगा, तो 45 से कम इन दोनों केस में आ रहा है, मतलब ग्रीन में और ब्लू में, तो इन दोनों में जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से कम है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45, तो क्या 45 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, है? तो टी आई आर होगा, तो जिसका जिसका यानी ग्रीन का और ब्लू का इसका तो टी आई आर होगा, इसका क्या होगा टी आई आर, और टी आई आर होने का मतलब लाइट में जितनी एंगल पे आ रही है 45 पे, 45 पर ही घूम जाएगी, इसी मीडियम में लौट जाएगी, तो ये एकदम ऐसे चला जाएगा, इधर कौन से दो कलर जाएंगे, पहले 45 90 हो गया ना, तो ये 90 डिग्री पर घूम जाएगा, तो यहाँ पर जो लाइट में जा रही है कौन सी है, ग्रीन और ब्लू, ब्लू और ग्रीन, ग्रीन ये ग्रीन और ब्लू, ये तो ऐसे चले जाएंगे। अब बची बात इसकी, अब बची बात इसकी रेड की, तो रेड का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 है, लेकिन इसका क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा है, और टी आई आर की जरूरत है कि जो आने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि 45 है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, जबकि कम है, तो अब लाइट रे टी आई आर यहां नहीं करेगी, यानी रेड वाले के लिए टी आई आर नहीं होगा, क्या होगा, लाइट रे कहां जा रही है, डेंस से रियर, तो सीधे ना जाकर नॉर्मल से दूर है, समझ गए। और अगर आप चाहें कि ये वाला एंगल पता कर ले भैया कितने एंगल मिल जाएंगे, मान लो आपसे पूछता है कि भैया बताओ ये वाला एंगल बताओ, तो सिंपल सा आप क्या लगाएंगे, जहां भी रिफ्लेक्शन होता है वहां पर कौन लगता है, स्नेल फिला N1 कितना, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलो 4/3। अब इसे स्केल निकालना चाहते हो ना रेड के लिए, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलो 1.39 N1 साइन I बोलो 45 ना, तो बराबर N2 into sin r, यहां से r आ गया, कितना sin r की वैल्यू बताओ 1.39, और sin 45 समान है 1/√2, इसको डिवाइड कर लेंगे थीटा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin inverse 1.39 / √2 1.4।
एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आई, एन टू वन है आर आपको पता कर रहा है ना, और एन वन अपन पॉइंट थ्री का ना साइन 45 1/2 बस समझ में आई होगी, कितने रुपए समझ में आएगी।